अब खा लो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शायद वाटर ब्रोक हो रहा है, मतलब जैसे मैं बैठी हुई थी तो एकदम से थोड़ा जैसे क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल पहुंचो। सो गाइस रात के बज रहे हैं 2 और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और पहले सेवन के घर वालों को लेना, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना है। डॉक्टर को फोन कर दिया है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट दूध पिला दिया हमने सेवन को, जिससे कि चलो 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 जल्दी चलो। हो गया काम यार, तुम क्या कर रहे हो यार? चल जल्दी तू वॉशरूम होके आ जा। मैं नहीं चलता हूं, सामान हां ये छाया सामान ले ले। आज बच्चे से बात नहीं की ना बिल्कुल भी, कह रहे मैं आज बाहर आ गए तुमसे बात करूंगा, मानेगा नहीं। छाया की बात सच हो गई, छाया ने बोला था उसको पता है तुमने अपना बैग पैक नहीं किया है। हां और आज ही हमने पैक किया, और आज ही अभी से बता दो बैग पैक हो गया आएगा। चलो मैं, प्रिया जा रही है, सेवन जा रही है, मैं जा रहा हूँ, मम्मी जा रही है और सेवन की मम्मी जा रही है। चलो खानदान में सब जाना चाहते हैं लेकिन पर माइनस कर दिया, पर हमारी गाड़ी में ज्यादा जगह नहीं है अभी, इतनी बहुत है। ठीक है, वहां जाके डॉक्टर को पता लगेगा क्या करना है। मैं आज कुली भी बन जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेबर से कुली प्रमोशन हो गया भाई तुम्हारा। चले मम्मी ये कह रही है एप्पल डाल लो बैग में, खा लूंगी, सही बात है, भूख लगी। मैंने तो कूल बंदा देखा है जिस ऐसी हालत में, उसे डरना चाहिए, और मेरे को देखो। अरे मैं साथ हूं, काहे को डरना, कोई डरना नहीं है। ये डर रहा है, ये उल्टा डर रहा है। अरे नहीं, वो थोड़ा सा शुरू में हो गया था अभी। ठीक है चलो चलो चलो, अभी बस ये है कि मैं, सिमन और मम्मी जा रहे हैं, प्रिया जा रहे हैं, मतलब 4 लोग जा रहे हैं, पर जब हम उधर से आएंगे तो 5 लोग ही आएंगे अब तो। ठीक है चलो चलते हैं। क्या हो गया? चलो चलो गाड़ी में बैठ, निकले जा रहा। चलो भाई चलो, टेंशन ना लो, बहुत लोग हैं वापस लाने के लिए, कुछ भूल गए होंगे। उधर अभी तैयार बैठा था, मैं भी चलूंगा, मैंने कहा भाई पहले डॉक्टर को दिखा लूं मैं, वो बताए बालक हो रहा है तो तू आ जाइयो। सही बात है, पहले पहुंच तो जाए, डॉक्टर बताएगा क्या होगा। सही बात है। मम्मी कह रही है आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तुम लोग टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। yeah! yeah! चलो चलो मम्मी जल्दी चलो, जल्दी 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 पिकनिक पे चल रहे। अभी हम अंदर आ गए हैं तो अभी सुना का चेकअप हो रहा है, पतले का भी क्या हो रहा है, तो अभी देखते हैं। सास बोल रही है अभी भैया बाहर पार्किंग करने गए तो वो आ जाए, देखते हैं अभी क्या करना है। टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ ये अब फाइल वाइल बनवा रहे हैं उनको करवाने के लिए, अभी देखते हैं क्या करना है। सोना चेंज कर रही हैं और अभी शायद हमें 6 बजे तक यहीं रुकना पड़े, और जैसा भी होगा अभी भैया के आपको अच्छे से बता देंगे कि हॉस्पिटल भी आई तो ऐसे है। इसीलिए तो मैं नए कपड़े लाई निकाल, जैसे इंजेक्शन लगेगा जब, मतलब उसमें दर्द वाला, तो दर्द बढ़ाने के लिए होता है। तो अभी सेवन को रूम में भेज दिया है और मैं आया हूँ यहाँ पे दवाई लेने। अभी हमको एक जो रूम हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं है, वो सुबह देखना पड़ेगा, सुबह जो दूसरा स्टाफ आएगा वो बताएगा फ्री है कि नहीं। तो अभी एक छोटे रूम में मतलब शिफ्ट कर दिया है, फिर उसके बाद सुबह चेंज करेंगे रूम को। सो देखते हैं, सुबह तक वेट करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी तो कुछ, थोड़ी बहुत देर में बताऊँगा क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा लग रहा है आपको हॉस्पिटल में आके? भैया अभी टाइम क्या हो रहा है भैया? अभी 3:36 हो रहे हैं, सुबह के 6 बजे तक इंतजार करना है, फिर पता चलेगा कि कैसे होगा, डॉक्टर आएगा जब पता चलेगा। अभी ग्लूकोज लग रहा है इसके, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि अगर मेरा ऑपरेशन होता है और मुझे निशान बनेगा तो मैं तेरे भी निशान बनाऊंगी वहीं पे। मेरे क्यों बनाएगी? ऐसी बराबरी, इक्वालिटी। देखते हैं भाई क्या होगा, सुबह तक वेट करना है पेन का, कि इसको अगर पेन होता है, दर्द बन जाता तो सही है, नहीं तो फिर सर्जरियन। सो देखते हैं, 2-3 घंटे अभी हमारे पास, 4 बजने वाले हैं अभी तो, डॉक्टर 5:30-6 बजे डॉक्टर आएगी। पर हम दोनों चीज़ के लिए रेडी हैं, क्योंकि बच्चा तो करना तो ही, अब ये से भी सेफ रखना है, तो दोनों चीज़ के लिए रेडी हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। कोशिश हम नॉर्मल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है पेन बने, पेन झेलना तो वो तो चलो वो झेल लेगी कह रही है, पर बने तो से पेन हो ही नहीं रहा उसको, तो देखते हैं।
अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है भाई, बिना कुछ के ही कुछ नहीं हुआ। जब मैं बिना कुछ के ही मैं स्ट्रॉन्गर नहीं, वेरी स्ट्रॉन्गर जब स्ट्रॉन्ग है। तो भैया अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सिमरन सो रही है। मैं आया हूँ गाड़ी में पानी लेने के लिए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब वही नर्स बोल रहे हैं कि वो तो सर्जरीन के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं सर्जरीन कर दो, 5 बजे कर लो। मैंने कहा नहीं भाई यार ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर को आने दो, हम डॉक्टर से पूछेंगे जो हमारे डॉक्टर है, फिर देखेंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि देखो हम मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो, तो बच्चा और मतलब माँ दोनों सही रहे, सिमन भी सही रहे, मैं ये चाहूँगा, रिस्क नहीं लूँगा। पर फिर हम फिर भी कोशिश करेंगे कि नॉर्मल चीज़ें हो जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। उसको अगर पेन बन गया, जो दर्द होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो आ जाएँ तो सही रहेगा। बाकी देखते हैं, अभी वो रेस्ट कर रही है, शायद थोड़ी बहुत देर में 1.5 घंटे में डॉक्टर आएगी। मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा यार। कभी कोई बोलते ना कि हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मतलब सिजेरियन वगैरह का कुछ ऐसा आएगा, मैं लगा था नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होगा। सो ठीक है, अब हम दोनों चीज़ के लिए रेडी हैं, जो हुआ सही है, बस दोनों सेफ रहे मैं ये चाहता हूँ। तो हम दूसरे हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो हम आपको बताएंगे किसी और वीडियो में, और अभी चलते हैं देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलती है। तो ये अब दूसरे हॉस्पिटल में आ चुके हैं, और उस वाले में थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो हमें अच्छी लगी, थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तो इसके ऊपर मैं जैसे बता चुका हूँ कि इसको स्टोरी कभी बाद में बताऊँगा। पर अभी डॉक्टर आएंगे यहाँ पे, और कुछ इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, और दोबारा से कुछ चीज़ें चेक हो रही हैं। बाकी बच्चा भी सही है अभी, मतलब पानी तो निकल ही रहा है, वाटर जो लीकेज होता है वो तो हो ही रहा, पर अभी बच्चा भी सही है अंदर। बाकी देखते हैं क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि शायद सिजेरियन ही होगा। सो क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके साथ, हाँ, और बताएंगे कि क्या थी बाद में। पर अभी पहले मेन चीज़ है कि हो जाए। हाँ, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जरूरी नहीं है, ट्रस्ट की बात भी नहीं है, ये भी है कि कभी कभी तुम सब कुछ करते हो। हमने सब कुछ किया, हमने बिल्कुल हेल्दी डाइट रखी, हम इसका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, बिल्कुल सही सब कुछ। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ भी लाइफ में, हाँ बेबी भी हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, पर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि तुम उनका कुछ कर नहीं सकते। तो ये लाइफ में तुम 100% देते हो, पर फिर भी जरूरी नहीं कि कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है होता है, ठीक है, तो बस यही है। पर बाकी हमें ये है कि हमने अपना पूरा जितना था हमने बढ़िया किया, इससे अच्छा और हम नहीं कर सकते थे, है कि नहीं। और बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसलिए जैसे हो रहा है बस वो हेल्दी हो जाए, हेल्दी होगा, टेंशन नहीं है ना। वैसे कुछ भी हो, सुबह हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं तो सोया नहीं हूँ, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर में दर्द तो तुम्हें पता ही है, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे सर दर्द। तो अभी ठीक है, अभी थोड़ी बहुत देर में देखते हैं क्या होगा, सिजेरियन ही होगा आई थिंक, ऐसा लग तो यही रहा है। बाकी ठीक है, देखते हैं, जो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यह है कि अब सब हो जाए, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है दिमाग में, पर सर दर्द हो रहा है। चलो जैसे होता है फिर पता चलेगा कि क्या हुआ। अब ये एक्साइटमेंट है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये देखते हैं। ठीक है, बाकी अभी सब थोड़ा हैप्पी मोमेंट है, मतलब हैप्पी एक मौसम हो गया। तो अभी सिवन को पेन का इंजेक्शन लगा दिया है, और अभी देख रहे हैं, एक डॉक्टर ने एक ट्राई किया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उन्होंने कहा ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा अगर नहीं है, अगर रिस्क मतलब अगर करना है सिजेरियन तो फिर कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, उसमें भी होता है, तो एक बार ट्राई करते हैं, नेचुरल तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं होती है तो फिर 1-2 घंटे बाद वो फिर सिजेरियन कर देंगे। तो अभी हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल तरीका नेचुरल होता है, आपको पता है कोई भी कॉम्प्लिकेशन से उसमें आगे तक नहीं रहती है, नहीं तो आगे तक इसको बहुत दिक्कत आएगी। तो बस अभी पेन होने स्टार्ट हो गया इसको। क्या मैसेज है रूप के लास्ट? ऑल द बेस्ट तो तुम्हें कह रहा हूँ, उसको बोलियो आराम से आई सो जा। उसको पेन स्टार्ट हो गया अभी।
सबको देखकर डर रहा है आज ये मरी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया ये बेचारा। तीन चार घंटे हो गए, उन्होंने मुझे दर्द की दवाई भी दी थी, मुझे पेन हुए बहुत ज़्यादा, बस इतना था कि मैं रोई नहीं और चिल्लाई नहीं, और उसके अलावा आई थिंक इट्स नॉट सेफ, तो डॉक्टर ने बोला सिजेरियन के लिए, तो हम वही करवा रहे हैं क्योंकि बेबी के लिए ज़्यादा बेटर है। तो सिमरन इसके अंदर चली गई है और अभी बस सिजेरियन होगा, आधे घंटे में पता चलेगा। बस अब सब सही हो जाए यार, बहुत देर से ना वो पेन को सह रही है। दोनों ठीक है ना? दो किलो 700 ग्राम और 2:02 पे। मैंने भी पूछ लो, मैंने बताया नहीं था। यार हाथ मत लगाओ यार ऐसा। ये सही है भैया, मैं कह रहा था मेरी ऐसी कितनी प्यारी है। देख लिया आपने? एक आंख करके देख लिया। हेलो, आराम से पकड़ना, भैया की तरह नाक देखो इसमें। रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत करो, दोनों का ध्यान रखेंगे। बच्चों तुम्हें आप कुछ नहीं हुआ? ये क्या, ये क्या निकल रहा तुम्हारी आंखों से? कुछ ही क्या आंसू। अब बराबर हम दोनों रो लिए है ना, अब ठीक है, अब दोनों का आ जाएगा। भाई बहुत क्यूट है ये, अभी से छोटी